सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है माइक्रोमैक्स का, और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें अभी एफ आर पी लॉक लगा हुआ है। कस्टमर ने इसका बटन दबा के पासवर्ड से हार्ड रिसेट कर दिया है, पासवर्ड हटा दिया है उन्होंने, लेकिन इसमें अभी एफ आर पी लॉक है जो कि वह नहीं हटा पाए और हमारे पास लेके आए हैं। तो यहाँ पे इसका एफ आर पी हम बाईपास करने वाले हैं, कैसे करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। हम इसको बाईपास करने के लिए यू एम टी का मदद लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एफ आर पी किस प्रकार से मांग रहा है, तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसका एफ आर पी बाईपास करना है। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड लॉक भी होता तो उसको भी आप हटा सकते थे यू एम टी की मदद से, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये आपका माइक्रोमैक्स G1 है और इसके अंदर जो चिपसेट लगा है वो मीडिया टेक का लगा है। यहाँ पे आपको पीछे में एक बार मॉडल भी दिखा देता हूँ, माइक्रोमैक्स का C1 मॉडल है, आप एक बार ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, देखिए माइक्रोमैक्स C1 दिखा रहा है। तो इसका पासवर्ड वगैरह कैसे हमें हटाना है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपना UMT, और UMT में हम अपना MTK टूल यूज़ करेंगे, मल्टी टूल। और MTK में मीडिया टेक के जितने भी फ़ोन आते हैं उस सभी को आप अनलॉक कर सकते हो, मीडिया टेक CPU वाले जितने भी फ़ोन है। तो इसमें हम अपना FRP और रीड इन टूल पे ही रखेंगे और एग्जीक्यूट करके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के जैसे ही केबल आप लगाओगे इस फ़ोन में, आपको देखोगे कि फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप पोर्ट लिख के और मीडिया टेक USB पोर्ट यहाँ पे COM3 लिख के यहीं पे रुक जा रहा है, स्टक हो जा रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपका यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसके आगे हमें क्या करना है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको एक बार बैटरी का आपका स्विच ऑफ कर लेना है, यानी कि स्विच ऑफ है तो उसका बैटरी एक बार निकाल के फिर वापस ला के फिर दोबारा ट्राई करना है इस चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैटरी नहीं निकालोगे या फिर दोबारा ऐसे ट्राई करते रहोगे तो एक ही प्रॉब्लम बार बार नहीं भी आनी होगी तो आएगी। इसलिए कभी भी जब आपका कोई भी एरर आता है UMT से या फिर किसी भी टूल से अनलॉक करते समय, तो एक बार उसका पावर कट कर लेना चाहिए उस फ़ोन का, चाहे वो कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर उसका बैटरी रिमूवेबल नहीं है तो फिर भी आपको खोल के उसको बैटरी निकालना पड़ता है, तो ये कंडीशन रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने दो बार ट्राई किया, दोनों बार सेम प्रॉब्लम आया। यहाँ पे हम कुछ देर वेट करके भी देख रहे हैं, यहाँ पे ही आके रुक जा रहा है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, एक बार हमें एक स्पेक्ट्रम में MTK टूल जो आता है एवेंजर का, उसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्या उसमें ये वर्किंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना एवेंजर टूल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे माइक्रोमैक्स कोई मॉडल वगैरह सेलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो अब हमें इसे डायरेक्ट ही ऐसे ट्राई करना रहेगा, तो हम एक बार फिर से बैटरी निकाल के और फिर दोबारा इसको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के डायरेक्ट CPU से ही इसको एक बार करके ट्राई करते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने पासवर्ड हटाने के लिए इसको रिसेट FRP पे क्लिक कर दिया, और रिसेट FRP पे क्लिक करने के बाद जैसे हम वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा रहे हैं यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम एरर लिख के आ जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अपना UMT फिर से खोल लेना है, और इस बार हम यूज कर रहे हैं 2.6 वर्जन, और इस वर्जन को यूज़ करके आप इसको ट्राई करो, ये 100% काम करेगा। क्योंकि इसमें MTK में कई बार क्या होता है कि जो पुराने फ़ोन है बहुत पुराने उनमें ये वर्किंग नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ये टूल आपको काम ज़रूर आएगा आपके। तो चलिए इसी टूल से हम इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो पोर्ट लिख के यहाँ पे रुक गया है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आपको एक बार बैटरी निकालना है फिर वापस लगाना है, और मैं जैसा जैसे बता रहा हूँ सेम कंडीशन आप करिए। बैटरी आपका ध्यान रखिए चार्ज हो रहना चाहिए, क्योंकि कई बार बैटरी नहीं चार्ज होने से भी ये दिक्कत आ सकती है, तो बैटरी आप ध्यान रखें, बैटरी चार्ज होना चाहिए। अभी आपको फिर से यहाँ पे मॉडल वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे नीचे EMMC सेलेक्ट करना है। देखिए MT6037M स्टोरेज है, यहाँ पे मॉडल बाई जो लिखा है उस पे आपको नहीं रखना है क्लिक करके, और इसके बाद से आप करोगे तो देखो आपका FRP जो है वो बाईपास ज़रूर होगा। तो ये देखिए हमारा FRP यहाँ पे रिसेटिंग का ऑप्शन आ चुका है, अब आपका देखिए यहाँ पे FRP बाईपास हो चुका है। तो ये तरीका अपनाना है आपको, जिससे कि आप ये आपका जो FRP हो बाईपास कर सकते हो। अब आपको केबल निकाल लेना है, और केबल वगैरह निकाल के और फिर से आपको फ़ोन को नॉर्मली चालू कर लेना है, क्योंकि अब हमने तो FRP बाईपास कर लिया है, तो अब आपको डायरेक्ट केबल निकाल के इसको चालू कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे थोड़ी देर लगेगा समय फ़ोन को खुलने में, जब तक मैं आपको बता दूँ कि इस टूल में आप ध्यान से देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे वर्जन ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है MTK वर्जन 2.6, ये 2.6 वर्जन में यूज कर रहा हूँ इस C1 फ़ोन को ओपन करने के लिए। और नीचे में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे आपका C1 ब्रांड भी दिख रहा होगा, लेकिन C1 ब्रांड दिखने से पहले आप यहाँ पे ऊपर देखिए बाई प्लेटफॉर्म दिख रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको एक CPU सेलेक्ट किया प्लेटफॉर्म के अंदर, और ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक बाई मॉडल दिख रहा होगा, इस पे चेक मार्क का टिक होगा, उसको हटाएंगे तभी जाके यहाँ पे ये मॉडल खुलेगा। तो यहाँ पे चेक मार्क का एक बॉक्स दिख रहा है, उसको हटा देना है, और उसके बाद से आपको नीचे प्लेटफॉर्म पे आपको MT
6737M जो इसका चिपसेट नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जाके आप FRP पे क्लिक करोगे तो इसका FRP बाईपास हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे स्किप नेक्स्ट करके कंट्री वगैरह अपना सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद से आपका जो फ़ोन है ये नॉर्मली ऑन होगा, FRP वगैरह कुछ भी नहीं लगा होगा, और आपको कोई FRP पासवर्ड वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो अभी मैं फटाफट से वो सारे सेटिंग को करके और आपको ऑन करके इसको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे वाईफाई सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, इसको भी स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन FRP बाईपास हो जाता है तब आपका बिना इंटरनेट का भी खुलने के लिए रेडी हो जाता है। और ऐसे में अगर मान के चलिए कि आपका पासवर्ड FRP होता तो यहाँ पे कभी भी वाईफाई से आगे नहीं बढ़ता है, किसी किसी फ़ोन में अगर आगे बढ़ भी जाता है तो वहाँ पे फिर से वापस वो आपको स्टार्ट मोड पे ला के रख देता है। तो ये कंडीशन होती है, लेकिन ये फ़ोन पूरी तरह से खुलेगा और आप वीडियो में देखते जाइए, आपको वीडियो एकदम 100% जेन्युइन ये मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई मतलब ऐसा थर्ड पार्टी चीज़ बता रहा हूँ जैसे कि मैंने वीडियो में कुछ और किया है और कहीं से लॉक अनलॉक करके फ़ोन को रख दिया है। आप ये मेथड ट्राई करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जितना वीडियो में जो चीज़ हम बताते हैं वो 100% वर्किंग रहता है। तो बस देखिए आपका फ़ोन खुल चुका है, और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।